और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अजय मिश्र टेनी जहां 22 साल पहले लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड के आरोपी हैं, तो वहीं उनके बेटे मोनू मिश्र पर लखीमपुर कांड में किसानों को कुचलने और उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगा है। बिल्कुल, हाई कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मामले में आज अंतिम सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर निर्णय लिया जाना है। दोनों ही बड़े मामलों पर सबकी निगाहें हैं। पिता पुत्र के लिए आज का दिन बहुत खास है, कोर्ट से उनके लिए कोई बड़ी अपडेट आ सकती है, जहां अजय मिश्र यानी मोनू के लिए हो सकता है सुनवाई जमानत को लेकर के, और आशीष मिश्र टेनी के लिए भी आज सुनवाई। दोनों ही पिता पुत्र के लिए कह लें, चाहे अजय मिश्र टेनी की बात करें 22 साल पुराना मामला, या आशीष की बात कर लें जहां जमानत को लेकर के फैसला होना है। जमानत को लेकर के आपको बताएं, एक लंबी प्रक्रिया रही है जहां जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जमानत खारिज की गई और फिर सरेंडर किया आशीष ने, और आज फिर से जमानत पर सुनवाई होनी है। देखना यह है कि आज कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या इस सुनवाई में जिरह होती है, क्या पक्ष रखे जाते हैं दोनों ही मामलों पर। और वहीं अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मामले पर आज अंतिम सुनवाई है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। कानूनी दांव पेच चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, और शैलेश से समझेंगे कि अगर दोनों ही मामलों की बात करें कितने पेचीदा हैं और आज का दिन कितना मुश्किल है अगर देखा जाए अजय मिश्र टेनी के लिए या आशीष मिश्र टेनी के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है, उनकी मुश्किलें पहले से बड़ी हुई हैं, जब से उनके बेटे आशीष मिश्र के ऊपर किसानों को कुचलकर मारने का आरोप लगा, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, बीच में जमानत भी मिली एक बार, लेकिन जब शीर्ष अदालत ने इसके बाद फटकार लगाई तो वापस उनको जेल में सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, और उस मामले में अभी तक सुनवाई चल रही। इसी दिशा में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी, और कोर्ट ने जब शीर्ष अदालत ने ये कहा था कि दोबारा जब उन्हें कोर्ट में जाने के लिए उस समय 3 महीने के लिए कहा था कि 3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा किया जाए, तो आज सुनवाई होगी आशीष मिश्र के मामले में। वहीं दूसरी ओर अजय मिश्र टेनी की अगर बात करते हैं, उनकी मुश्किलें पहले से ही देखिए बेटे की वजह से भी बड़ी है। दूसरी तरफ आज अंतिम सुनवाई होनी है जो प्रभात हत्याकांड था लखीमपुर खीरी में 22 साल पहले, उसको लेकर तो देखना होगा दोनों मामलों में कोर्ट किस तरह से रुख अपनाती है, फैसला देती है। जो अजय मिश्र टेनी की सुनवाई है वो एमपी एमएलए कोर्ट में होगी, और देखना ये होगा कि कोर्ट जो है वो अंतिम सुनवाई करती है, उसके बाद किस तरह का उसका रुख रहता है, जो साक्ष्य है उनके आधार पर क्या अजय मिश्र टेनी को कोई राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ जाएंगी, ये देखना होगा। सभी की निगाहें टिकी है, तो निश्चित रूप से बाप बेटे पिता पुत्र दोनों के लिए आज का दिन ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है। आशीष मिश्र पहले से आशीष मिश्र की वजह से कह सकते हैं लगातार पहले से अजय मिश्र टेनी जो है उनको तमाम बार घेरा गया है, और चाहे बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बात की जाए तो लगातार जिस तरह से उनकी जो मुश्किलें हैं अपने बेटे की वजह से, क्योंकि जो किसानों को कुचलने का मामला हुआ उसके बाद जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए, जिस तरह से जो किसान थे वो लामबंद हो गए किसान नेता, तो उसने लगातार पहले ही देखिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, और उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर 22 साल का मामला, और अभी आशीष के लिए आज का दिन बेहद अहम है। शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।